तानू मार जम मार 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 अरे स्लाइडर्स पे नहीं उसके यार अरे मार कुछ नहीं मेरे स्लाइडर्स नहीं मारेंगे नहीं मारेंगे मार ना जानू अब कर ले भाई आ जाएगा आईसीसी मानना पड़ेगा अभी चढ़ वैसे ही चढ़ वापस तो बजे थे एक और चिल्लम ब्रिज सॉरी चीचम ब्रिज के बाद भूख इतनी लगी थी कि कुछ खाना था पर खाने से पेट कहाँ भरेगा तो फिर मैंने ये किया नहीं नहीं मंचाओ सूप की बात नहीं कर रहा मैं इसकी बात कर रहा हूँ रेमी I've got Remy with me and he's from Poland and बात ऐसी थी ना कि रेमा रमा रमेश हाँ तो रमेश पोलैंड से था और वो इंडिया टूर पे आया था नॉर्थ घूमने आया था थोड़ी नॉर्मल बातें की मैंने उससे जैसे पोलैंड कैसा है और इंडिया में उसको क्या पसंद आया उसको इंडियन कल्चर यहाँ का खाना और यहाँ की प्लेसेस अच्छी लगी वो तो अच्छा हुआ कि अब तक ये मुंबई नहीं गया वरना लोकल ट्रेन में भूल से बैठता तो अगली बार इंडिया क्या कोई दूसरी कंट्री नहीं जाता खैर मुझे तो पेट भरना था तो बस फिर मैंने बातें की थोड़ी और समीप तू वेड़ा है समीप तू वेड़ा है पालवी तू तू दिवस रात पालवी तू दिवस रात डोकिया खाते डोकिया हाथ है पालवी तू दिवस रात डोकिया खाते इफ आई फाइंड अ गर्ल शी इज लुकिंग प्रीटी व्हाट शुड आई से फेमस टीचर अतीशा इन द 11th सेंचुरी इसके आगे का खुद पढ़ लेना गंदे लोग अरे उल्टी खोपड़ी इनकी मन्नत थी कि मैं उल्टा चल के जाऊंगा ये दोनों पुणे से आए हैं मन्नत मांग के की मोनेस्ट्री उल्टा चलने को अगर आप आगे वाले को देखोगे एंड आंख छुपा दोगे तो आधा मुंह भुवन बाम जैसा लगता है मनाली के बेयर ग्रिल्स अक्षय ग्रिल्स आपने कितने ट्रक किए इन टोटल हाँ सचिव कितने 100 किए रहेंगे ना सीरियसली 25-26 ट्रक किए फिर भी जिंदा है ये आदमी तुम लोग ने गिन के पास किए रहेंगे ये क्या इधर से ऊपर जो तिलक ब्रिज चढ़ता है उसमें उसका हो जाता है हेलो गाइस हाँ आपको मैं प्रोसीजर बता देता हूँ हाँ तीन चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी यहाँ पे ऐसा होता है तो क्या होता है तो पानी पीते रहो हाँ और मतलब गैप क्यों लेते बोलते हो फिर पानी में कुछ डालना है पानी पीते रहो अपन एल्टीट्यूड पे देखो सबके साथ रहे दो दिन से अच्छी स्माइल फर्स्ट टाइम को भाई जब खाना मिला फोकट में जब आपको मैंने जो कल बताया ओल्डेस्ट मॉनेस्ट्री जितना वो मॉनेस्ट्री जो 996 में बना था उसके बाद एक बुद्धिज्म का जो नोनोस था उसने लाइक यहाँ पे बुद्धिज्म स्प्रेड करने की कोशिश की तो जब वो डिस्कवर कर रहा था नियरबाय प्लेसेस तो यहाँ पे ये जो आपको ये प्लेस दिख रहा है की मॉनेस्ट्री सो ऐसा कहा जाता है इट्स लाइक 1000 ईयर्स ओल्ड बट यहाँ पे उसके जो एंशियंट टाइमिंग से जो भी कुछ प्रेजेंस थे तो उसको उन्होंने रीडेवलप किया उसको बनाया गया ये जो मॉनेस्ट्री है इसके ऊपर एटलीस्ट 8 से 9 बार अटैक हुआ है उसको तोड़ा गया बनाया गया मंगोल्स ने अफगानीज ने और जब ये बुद्धिज़्म बूम में था यहाँ पे स्पीति मिडल लैंड्स में लद्दाख में तो उस टाइमिंग में एटलीस्ट लाइक 300+ लामाज यहाँ पे लर्निंग लेते थे आप अभी भी देखोगे यहाँ पे पूरे स्पीति लाहौल डिस्ट्रिक्ट में एक जैसे कि लामाज कौन बनता है जैसे फॉर एग्जाम्पल फैमिली है जो फर्स्ट चाइल्ड होता है वो केयर करता है फैमिली की जो सेकेंड चाइल्ड होता है एज अ बॉय होता है उसको बुद्धिज़्म या लर्निंग करना पड़ता है तो आपको यहाँ पे आने के बाद आप देखोगे यहाँ पे स्कूल भी है आपको 8 ईयर से लेके छोटे छोटे किड्स मिलेंगे जिनको यहाँ पे सिखाया जाता है सो और दूसरी बात है मॉनेस्ट्री की जैसे बोला मैंने 1000 ईयर्स ओल्ड जिससे अपन अभी अंदर जाएंगे आपको जैसे आपको मैंने ताबो में बताया था मैत्रेय जो फ्यूचर बुद्धा है वैसे आपको यहाँ पे भी मिलेगा बहुत सारे यहाँ पे आपको जिसके यहाँ का फेमस यहाँ का जो किचन है यहाँ पे पूरा जो भी है अभी जो फिलहाल के लिए
100-200 जो छोटे छोटे लामाज यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनका पूरा सिस्टम, स्कूल, रहने की जगह, उनका मैं ये सब चीज़ें आपको दिखाऊंगा। सो ये है की मोनेस्ट्री का प्रेयर हॉल, जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। काफी बड़ी प्लेस तो ये थी ही, पर यहाँ पे जो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर था ना, मजा आ गया। हम सब शांति से मेडिटेशन करने बैठे थे, जहाँ मेडिटेट तो कम किया लेकिन बातें ज्यादा की। फिर हम गए जहाँ बाकी लोग जा रहे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कौन सा रास्ता कहाँ जा रहा था, पर हम जा रहे थे। मंजिल हमें एक रूम के तरफ लेके गई जहाँ से हमें भगा दिया, क्योंकि वहाँ पर साफ सफाई चल रही थी। मैं बोला चलो ये भी ठीक है, कुछ और ही सही। यहाँ पे नैरो सी गुफा थी जिसमें 40 लोग लाइन में जा रहे थे स्लो स्लो। मुझे ऐसा फील हुआ कि जोर से चूहा चिल्लाऊं, पर फिर मैंने सोचा मुझे ही मार के निकाल देंगे, तो बस फिर मैं वो प्लेस की वाइब में एंजॉय कर रहा था। जब हम इन गुफाओं में प्रवास कर रहे थे तब मुझे पता चला कि अभी मेन चीज़ तो देखना बाकी है, मेन स्पॉट पे जाना बाकी है। मैं खुश हुआ, पर फिर जो हुआ ना क्या ही बताऊं। अब इसमें हमारे नसीब अच्छे थे कि बुरे, क्या पता, वो बात जानने के लिए आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। यहाँ पे बच्चे थे जो बहुत प्यारे थे, लेकिन मेरे से कम प्यारे। हाँ, तो हमने उनके साथ बारी बारी फोटोज निकाली। और अब बात ये थी ना कि मेन टेम्पल में हमें जाने नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे शूटिंग चल रही थी। अब बुरी बात तो चलो ये थी कि हमें मेन टेम्पल में जाने नहीं मिला, लेकिन अच्छी बात बता दूँ क्या थी। सो अगर आपने मनी हाइस्ट देखी है तो उसका एक कैरेक्टर है रियो, जो यहाँ आया था शूटिंग के लिए। मैं तो काफी एक्साइटेड हुआ ये सुन के। जैसे ही हम बाहर जा रहे थे रियो बाजू से गया और मैं शूट ही नहीं कर पाया, लेकिन मैं वापिस पीछे गया और चुपके से ट्राई की क्लिप लेने की, और मैं कामयाब हुआ। कितना प्यारा है ना, मतलब इतना फरी एंड प्यारा डॉग था ना, मजा आ गया उसके साथ खेल के। अभी आ ही नहीं रहा, कौन सी भाषा बोलू। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? व्यू पॉइंट, जहाँ से कैमरा पीछे घुमाओ पूरा मॉनेस्ट्री दिखता है, वो व्यू पॉइंट है। एंड ये स्टैचू यहाँ पे, हाँ ये स्टैचू है, ये भी है, लेकिन आपको बेस्ट व्यू चाहिए कि मॉनेस्ट्री का, तो हम ऊपर जाएंगे, अक्षय भाई लेके जाएंगे। ऊपर आ गया और ऊपर जाएंगे, फिर वहाँ से व्यू दिखाऊंगा। तो 7 बजे एंड मार्केट जाएंगे, एंड इतनी मतलब -4 डिग्री अभी। तो काजा का मार्केट आ गए, ठंड लग रही है, फुल डाकू बन गए सब। मेरे को बहुत सुंदर लग रहा है मार्केट में, बोलूँ तो, बिकॉज ये लाइट्स, ये सब यहाँ के जो बेच रहे हैं, यहाँ पे सेल कर रहे हैं, बहुत सही लग रहा है। सो थोड़ा सा घूम फिर के हम पहुंचे ये शॉप में शॉपिंग करने। अब कैसा है ना कि शॉपिंग नहीं भी करनी हो तो भी करनी तो पड़ेगी। क्यों? क्योंकि स्पीति वैली जो आए थे, और दूसरी बात जब हम घर से निकले ना, सबने बोला स्पीति वैली जा रहा है तो ये लेके आना, वो लेके आना, मेरे लिए कुछ लेके आना, लेके आना लसन, लेके आना पाव, लेके आना भाजी, लेके आना सब लेके आना। कितने का ये बॉस? मैडम स्टॉक खत्म हो गया क्या आपका? लेट आते हो तो क्या करूँ मैं? तो फिर आप कुछ जुगाड़? नहीं, कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा लेके कुछ? नहीं, आपको कल आना। और छिपा, अभी तो आधी शॉपिंग हुई है, ये देखो इतना भर गया है पूरा। ये भेड़िया काय भाई से, मैं आपकी शॉप के अंदर आ गया। चलो डन करते हैं, सबकी शॉपिंग हो गई है। अब जाएंगे कैफे में,